नमस्कार, आप देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। चलिए रुक करते हैं आज कुछ खास सुर्खियों का। उत्तर प्रदेश के संबल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां SC ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने राहुल गांधी को बेअकल कह दिया है। आखिरकार साध्वी गीता प्रधान को राहुल गांधी को ये बेअकल क्यों कहा? दरअसल कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग को दलाल कहकर संबोधित करते रहे, जिससे नाराज होकर साध्वी गीता प्रधान ने संबल पहुंचकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उसे बेअकल कह दिया है। आइए दिखाते हैं आपको आखिरकार साध्वी गीता प्रधान ने राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ कहा। देखिए, राहुल गांधी को पहले से ही बोलने की अकल नहीं है तो वो इस तरीके का बयान तो देंगे, जिसे यही नहीं पता हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। जो स्वयं दलाली करते आए हों, जिनके पूर्वज, जिनके बाप दादे हमेशा से दलाली करते आए हों, उन्हें केवल दलाली दिखाई देती है, बाकी और कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, वही सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ये बयान दिया है कि चुनाव में DMC और EVM से हमें सावधान रहना है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी सरकारों में, जो पूर्व में सरकार उनकी रही है, उनकी सरकारों में अधिकारियों के साथ अत्याचार रहा है, और भाजपा सरकार जो है सबके साथ सबके विकास को लेकर जो कार्य कर रही है, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हों या पदाधिकारी हों या हमारे पुलिस प्रशासन हो या हमारे अधिकारी हों, सबको सम्मान देने का काम माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। तो मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहती हूँ कि इस समय जो है प्रभु श्री राम कि हम जो है क्षेत्र में रह रहे हैं, प्रभु श्री राम के हम लोग वंशज हैं, और ऐसे युग में और ऐसे समय में जहाँ भव्य श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने के लिए जा रहा है, बन रहा है, तो उन्हें ऐसे बयान जो है शोभा नहीं देते, और वो अपनी जो भाषा शैली है उसको सुधारने का काम करें। अक्सर वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान देते हैं जिससे उनकी स्वयं की छवि इतनी ख़राब हो चुकी है, और पुनः भारतीय जनता पार्टी 2022 में आने वाली है, माननीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो अखिलेश यादव केवल सपना देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अधिकारियों को हम अपनी तरफ जागरूक करें, अपनी तरफ खींचें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, वहीं जिस तरह से आपके BJP सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं सपा सांसद डॉक्टर भट्ट ने भी इसको खंडन करते हुए कहा है कि BJP सरकार में सिर्फ मोबिलिटी की घटनाएं बढ़ रही है और BJP सरकार में मुस्लिमों को भी टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहती कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में आई है, आज हमारी बहन बेटियां खुलेआम निडर होकर पूरे देश में, पूरे सड़कों पे, गलियों में, गांव में, शहर में जा सकती हैं। प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की जो पूर्व की सरकार में अनदेखी होती थी, बहन बहनों के भाइयों के साथ अत्याचार होता था, हमारी सरकार ने उस पर लगाम देने का काम किया है। प्रशासन में बहुत शक्ति हुई है, और आप देखिए कि सबके साथ सबके विकास को लेकर आज हमारी बेटियों को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। देखो, मैं कहना चाहती हूँ वो भी अपनी भाषा शैली को सुधारें, क्योंकि उनकी सरकारों में ऐसा ही रहा है। अभी पूर्व में भी यहाँ के पूर्व विधायक ने एक बयान दिया था कि आदिवासी और जो दलित समाज के लोग ही जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं उन विधायक को कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले वो अपने समुदाय के और अपने समाज के लोगों को सुधारें। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जन कल्याणकारी पूरे देश प्रदेश में चलाई हैं, मुंह देखकर उन योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा उन योजनाओं का लाभ उठाया है तो केवल और केवल मुस्लिम समाज उठाए। वही, चूंकि UP विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप कितना मानते हैं कि UP में कितनी सीटें भाजपा को मिलेंगी? देखिए, हम 300 को पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और उन्हीं कार्यों को लेकर हम गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जाएंगे, और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।